नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा हमारे सूरत सिटी में कल परसों में नेताजी ने बसों को रुकवा के 200 यात्रियों को पैदल कर दिया और कारण ये था कि वो जानना चाहते थे कि गाड़ी का फिटनेस बराबर है या नहीं, गाड़ी चलने योग्य है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी 7-8 दिन पहले एक वीडियो पड़ी है जिसमें ये बताया गया है कि 10 गाड़ियां जो 5 साल जूनी हैं वो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बंद कर दिया है और गाड़ियों को रोड पे चलाने का इनका सिस्टम क्या है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ये जो गाड़ियां सुबह बाहर निकलती हैं डेपो से, ये नाइट में वॉशिंग के लिए जाती हैं और वॉशिंग से जब ये बाहर आती हैं तो इनका एक एक पुर्जा एसएमसी के कर्मचारी चेक करते हैं, तो उसके बाद गाड़ी को बाहर रोड पे आने देते हैं। और रह गई बात फिटनेस की, तो मैं फिटनेस के बारे में ये बता दूं कि एक पेपर डेपो में जमा रहता है और दूसरा पेपर एसएमसी के पास जाता है। जैसा कि मैं आपको ये गाड़ी का फर्श दिखा दूं, ये अभी दोपहर का टाइम है, एक शिफ्ट गाड़ी का काम गाड़ी चल चुकी है और ये दूसरे शिफ्ट में ये गाड़ी का टाइमिंग 2:30 बजे है, 2:30 पर निकलेगी यहाँ से। और ये फिनिशिंग है गाड़ी की, एसएमसी द्वारा यहाँ पे साफ सफाई के लिए भी आदमी रखे जाते हैं। और ये इसी गाड़ी का हाल नहीं है, पूरी जितनी गाड़ियाँ हैं सबका यही हाल है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि सूरत की पब्लिक के साथ खिलवाड़ किया जाता है यहाँ पे। और माना कि नेताजी हमारे समाज उनको बनाया है, जनता उनको बनाई है, तो नेताजी प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को देखें तो आप एक बार डेपो का रुख करें, वहाँ आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। तो गाड़ियों का सब कुछ वेल अप टू डेट मेंटेन रहता है। और यहाँ तक कि मैं आपको थोड़ी जानकारी ये बता दूं कि यहाँ के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवरों का भी यहाँ पे ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद ही वो रोड पे निकाले जाते हैं या गाड़ी उनको दी जाती है वैलिड लाइसेंस के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सुना हूँ कि कल परसों में कुछ सूरत में ऐसी घटनाएं हुई हैं। यहाँ पे बाकायदा नंबर रहता है एसएमसी का, अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो इस पे फरियाद कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।